उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 337 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को प्रारंभिक परीक्षा हो गई है। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा सूबे के 22 शहरों में 1214 सेंटर पर परीक्षा संपन्न कराई गई। इस परीक्षा के लिए 5.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी हर एक पद के लिए 1650 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में कुल 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में सामान्य चयन के 228 और विशेष चयन के 109 पद शामिल हैं। परीक्षा के लिए कुल 5,59,165 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। संगम नगरी प्रयागराज में 126 परीक्षा केंद्र में बनाए गए सेंटरों में परीक्षार्थी सुबह 9:30 बजे से एंट्री लिया। उसके बाद दूसरी पाली में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक परीक्षा शामिल कराई गई। परीक्षा देने के लिए 58,000 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा पाना सरकारी अमले के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। पिछले माह हुए TET परीक्षा लीक होने की वजह से सरकारी अमले इस बार परीक्षा की तैयारियों को लेकर काफ़ी मुस्तैद नजर आई और सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न कराया गया।